हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल उल्टा घड़ी। और यहाँ पे आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है NCSCM रिक्रूटमेंट 2018 157 प्रोजेक्ट स्टाफ पोस्ट अप्लाई बिफोर 1 जून 2018। सो गाइस, जल्दी से आपका, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए 1 जून के अंदर। ओके गाइस, किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पर हम लोग बताएंगे। इजीली आप फॉर्म भर सकते हैं, तो गाइस पूरा के पूरा वीडियो देखिए। इसके पहले एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का मेन जो गोल है वो है कोई भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो फॉर्म निकलता है और रिक्रूटमेंट जो निकलता है वो आप लोगों के तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही इस चैनल का मेन एम है। तो गाइस हम लोग चाहते हैं कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। पहले NCSCM रिक्रूटमेंट 2018 एप्लीकेशन प्रोसेस टू फिल 157 प्रोजेक्ट स्टाफ वैकेंसीज हैज़ बिगन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर कंस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई NCSCM.res.in NCSCM to recruit eligible candidate for its project on contract basis to work at the head office. Interested and eligible candidate must apply for the relevant post on or before 1 June 2018 by following the instruction given below. Okay guys, so आपका जो form है वो easily फिल अप करिए और भरिए। इसके लिए जो process है वो हम लोग बताऊँगी, इसके लिए पूरा के पूरा वीडियो देखते जाइए। देखिए बहुत ही इजीली प्रोसेस है, आप 6 स्टेप फॉलो करके आपका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, आपका इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा इन वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर। सो गाइस, वहाँ पर विजिट होने के बाद उनका जो होम पेज है वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा आपको। वहाँ पर करियर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ओके गाइस, करियर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर करंट ओपनिंग्स ऑप्शन के अंदर जो अप्लाई ऑनलाइन करके एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पर और एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा एंड नया पेज पर आपको, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन करना होगा, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनके लिए जो उनका जो रिक्वायर्ड डिटेल होगा वो आपको फिलअप करना होगा एंड सबमिट करना होगा। सो गाइस, वो भी आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, आप पूरा के पूरा वीडियो देखते जाइए। ओके गाइस, और भी न्यूज़ है थोड़ा देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है। NCSCM रिक्रूटमेंट 2018 वैकेंसीज डिटेल, जो वैकेंसी है थोड़ा देख लीजिए, डिटेल से यहाँ पर दे दिया गया है। और जो क्राइटेरिया है वो भी दे दिया गया है, प्लीज़ देख लीजिए। सो गाइस, फॉर्म भरने के लिए पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, यहाँ पर जो एड्रेस बार है यहाँ पर उनका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो डालना है। वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इन वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा ऑफिशियल एड्रेस का, ठीक है। देन यहाँ ये उनका होम पेज है, ऑफिशियल होम पेज। यहाँ पर देखिए करियर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए करंट ओपनिंग के अंदर करियर करंट ओपनिंग यहाँ पर देखिए क्लिक करना होगा। ओके गाइस, देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना होगा। देन देखिए एक नया पेज ओपन हो गया है, यहाँ पर देखिए अगर आप न्यू यूज़र रजिस्टर है तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपका पहले से ही आप रजिस्टर
करके रखा है, तो मेल एड्रेस एवं पासवर्ड जो डाला है वो डालना होगा, नेक्स्ट लॉगिन करना है। ठीक है गाइस, सो इतना सा इजी स्टेप फॉलो करके आप इजीली आपका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो गाइस जल्दी से जल्दी आप अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइस फॉर्म भर ले एंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से इतना ही छोटा सा हेल्प, अगर ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा एंड हेल्प हुआ है तो गाइस जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।